हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक व्लॉग डाल रहे हैं इस चैनल पर आफ्टर 1.5 ईयर आई थिंक। तो बहुत टाइम से व्लॉग नहीं डाला है, तो मैं देख रहा हूँ ये चैनल डेड हो चुका है कि व्यूज़ आते हैं गाइस। तो जल्दी से अपना ड्रेसिंग सेंस पे आते हैं। ड्रेसिंग सेंस हमारा बहुत ही शानदार है, लड़कियाँ मर जाती हैं। तो ये है वाइट शर्ट जो कि मैंने खरीदा था कानपुर के वी-मार्ट से, आई थिंक 600 रुपये में। तो इसको पहनते हैं सबसे पहले। तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग कैसा है ये मेरा टी शर्ट। इफ़ यू लाइक इट, लाइक दिस वीडियो। ये ब्लैक जीन्स जो कि आज मैं वेयर करने वाला हूँ, आई थिंक 2 साल पुरानी है ये जीन्स, फिर भी चल रही है, काम चलाती है। सो रेडी हो चुके हैं गाइज। अब आते हैं दूसरी एसेसरीज पे। अभी मेरे पास चांदी का एक ब्रेसलेट और चैन है जो कि मैंने उतार रखे हैं, क्योंकि थोड़ा हैवी फील होता है उसको वेयर करके, क्योंकि जब आप जॉब ना कर रहे हो और ज़िंदगी में फैशन करेंगे तो हैवी फील होने लगता है। हम लोग आते हैं अपनी वॉच की तरफ। ये गाइस हमारी फायर बोल्ट की वॉच, स्मार्ट वॉच, जिसको हम लोग वेयर करेंगे अपने उल्टे हाथ पे। सीधे काम हम करते नहीं हैं, उल्टे कामों से हमारा मन नहीं लगता। तो वी आर रेडी गाइस, तो चलते हैं। देख सकते हैं शानदार व्यू बेंगलोर की वादियों में हम लोग रहते हैं। यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइज़ ये हमारा फ्लैट जहाँ पर हम लोग रहते हैं बेंगलोर में। ये एरिया है RR नगर, आप लोग सर्च कर सकते हैं। शानदार एरिया, शानदार फ्लैट, शानदार लोग यहाँ के। और ये मेरी शानदार वॉच देख सकते हैं। तो वो टाइम अभी नहीं दिखा रही है, चार्जिंग इसकी ख़त्म हो चुकी है, बट पहन के जाना ज़रूरी है, शो ऑफ ज़रूरी है। क्या पता रास्ते में किसी लड़की को हमारा लुक पसंद आ जाए और बात हो जाए। यहाँ के लोग कुछ इस तरीके से बैठे रहते हैं नीचे। रात को हम लोग दिखाएंगे आपको, यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के भी बैठते हैं। वो लोग बकचोदी करते हैं, आके बातें करते हैं, अलग अलग तरीके की आप लोग समझ सकते हैं। और रोड के उस पार 2 लड़कियाँ आ रही हैं कुछ खाने का लेके, चल के छीन ले क्या गाइस। तो ये हो गई बकचोदी की बात। हम लोग पहन के जाएंगे अपनी रिलैक्सो की स्लीपर्स, क्योंकि मंदिर में हो सकती है चोरी, तो हम लोग वहाँ पर वियर नहीं करेंगे अपने महंगे वाले शूज़। 6000 के जो शूज़ हैं हमारे पास, बेटर है कि चप्पल पहन के जाएंगे। अब चबा लेगा भाई ये, तो डरा रहा है इसने। हम लोगों की 2-2 चप्पल काट लिए हैं। गधा है क्या, एक नंबर का। ये है गाइस लेडीज़ पीजी। तो गाइज़ अभी हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में। तो ऑटो में बैठने के बाद यहाँ से हम लोग आपको इस मंदिर में कैसे जाना है और कैसे आप लोगों को मान्यता अपनी पूरी करनी है। और यहाँ पर ऑटो वाले हम लोगों को टेक ऑफ करके निकल जाते हैं, बहुत तेज़ हैं बेंगलोर के ऑटो वाले गाइज़। तो इस मंदिर का नाम है कार्यसिद्धि टेम्पल, जो कि अंजना टेम्पल है, गिरीनगर में है ये बेंगलोर के। तो अभी हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी। तो हम लोग निकले हैं केंगेरी बस टर्मिनल से। तो आप लोग भी ऑटो से जा सकते हैं, वहाँ पर मेट्रो की कोई सुविधा नहीं है, तो बेस्ट है कि मेट्रो से जाएं और साथ में ऐसे व्यूज़ देखें। और सामने RGD यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कोई इवेंट चल रहा है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि गाइज़ आप लोगों को सही से बता सकूँ मंदिर में कैसे एंट्री लेनी है और क्या क्या करना है। तो काफ़ी ट्रैफिक था और हम लोग थोड़ा फंसे रहे रास्ते में। हम लोगों को पहुंचने में अप्रॉक्स 45 मिनट्स लग गए। तो मंदिर में कैसे जाना है अब मैं वो आपको क्लियर करता हूँ। मंदिर पहुंचने के बाद गाइज़ आप लोगों को सबसे पहले अंदर जाएंगे। तो आज हम लोग सैटरडे को गए थे, तो काफ़ी भीड़ रहती है, 200 से ज़्यादा लोग, मतलब जब हम लोग गए थे उसी टाइम पर थे और लोग आ रहे थे कंटिन्यू। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर एंट्री लेनी है और एक नारियल को ख़रीदना है। नारियल ख़रीदने के बाद आपको वहाँ पर पूजा करनी है और एक मंत्र मिलेगा जिसका जाप आपको करना होता है। इस मंत्र के जाप करने से आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। और वो नारियल को आपको बांध देना है। नारियल बांधने के बाद आप लोगों को एक धागा मिलेगा जिसको हाथ में बांधना है। साथ ही में हाथ में बांधने के बाद आप लोग वहाँ पर वीक में आना है आपको 1 बार, और 20 दिन के टाइम में आपको 4 बार आना है मंदिर, और आपको पूजा करनी है 4 बार। ये है मंदिर का मेन गेट। अभी मंदिर को गाइस थोड़ा शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं सैटरडे के दिन। ये मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से एंट्री लेनी है। अभी चेंजेस आए हैं मंदिर में थोड़े थोड़े और देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अंदर आपको नारियल को बांध देना है और उसको आप लोगों को कुछ दिन के बाद आकर जब 20 दिन के बाद खोल लेंगे तो आप लोगों को आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और उस मंत्र का जाप करते रहना है। तो ये था पूरा जो मैंने आपको बताना था इस मंदिर के बारे में। मान्यता है और काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं इससे। तो आगे अब हम लोग देखते हैं ब्लॉग में क्या क्या और देखने को मिलता है। और मंदिर के अंदर मैं अब शूट तो कर लिया है चुपचाप, बट शूट नहीं करना चाहिए, सॉरी फॉर द शूट। बट हियर देखिए यहाँ पर आप लोग नारियल को बांधना है, साइड्स में देख सकते हैं सबके नाम के अकॉर्डिंग एक नंबर मिलता है और आपको 20 दिन बाद आके खोलना है और उसकी एक खीर बना के अपने घर वालों के साथ खा सकते हैं। तो यही था गाइस आज के इस ब्लॉग में। अभी एंडिंग करेंगे तो वो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग को पूरा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये मंदिर के अंदर का एरिया है गाइस। तो अभी हम लोग गाइस निकल चुके हैं अपने घर के लिए वापस। कैब बुक कर ली थी और काफ़ी रात हो गई थी क्योंकि थोड़ा हम लोग और भी किसी पर्सनल फैमिली मैटर में बिज़ी थे। उसके बाद अभी हम लोग 11 बजे वापस अपना घर जा रहे हैं कैब बुक करके। और ये बस से कुछ कर्मचारी ऑफिस से अपना घर जा रहे हैं। तो थक गए, काफ़ी बड़ा दिन था, काफ़ी लॉन्ग डे था आज का, बट मज़ा आया मंदिर जाके और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पर। और मेरा ये 3rd टाइम था वहाँ पर। अब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा वहाँ पर नारियल खोलने, तो आपको दिखाऊँगा। और अभी रास्ता देख सकते हैं, थोड़ा ही दूर है, 17 मिनट्स लगेंगे हमें। अब बैंगलोर काफ़ी अच्छी सिटी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आके यहाँ पे देखिए, घूमिए, अच्छा लगेगा आपको भी। और अभी हम छत पे आ गए हैं, छत पे अपने फ्लैट की। और यहाँ पर छत पे आके ये हमारे पास कुत्ता बैठा है और सुहानी रात है, कुत्ता हमारे साथ है। सो गाइस अब हम लोग करते हैं इस तगड़े ख़तरनाक ब्लॉग की एंडिंग। आज रूम में आ चुके हैं, काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी लंबा दिन था, हेक्टिक एंड लॉन्ग डे, जिसकी अंत अब हुआ है अपने बेड पे आके। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करे बिना तो जाना मत, क्योंकि जान से हाथ धो बैठेंगे आप। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको ऐसे ब्लॉग, बकचोदी भरे ब्लॉग पसंद आते हों। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राम राम, लव यू ऑल। सोने का टाइम हो चुका है तो बाय बाय।